देखिए, हमारी फैमिली में शादी है और शादी में हम लोगों को हल्द्वानी जाना है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हल्द्वानी जाना तो क्यों ना नैनीताल घूमाएं। और नैनीताल घूमने के पर्पज़ से हम लोग 2 दिन पहले ही जा रहे हैं। तो बरेली से हम लोग ने कैब किया है और वहां से नैनीताल जा रहे ये हैं। लोकल के चला लेते, इनकी साइकिल भी होती है ना गियर वाली। और इतना खूबसूरत व्यू है रास्ते का, तो हमने कहा क्यों ना खुद व्यू देखते चलें और आप लोगों को भी दिखाते चलें। और सच में पहाड़ों के व्यूज बहुत अच्छे लगते हैं। उत्तराखंड की तरफ जब आप बढ़िए तो मन नहीं करता फिर वहां से आने का। इतना सुंदर, इतना नज़ारा, इतना सुंदर है कि बस देखते रहो, वहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है बिल्कुल। और सच में मेरा तो मन करता है कि वहीं पे रहा जाए, क्योंकि वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी होती है पहाड़ों की। वहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं बिल्कुल, वो दिन भर उनका फिजिकल इतना आना जाना चलना सब कुछ होता है। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे आपको मैदानी भागों में देखते हैं ना इतने मोटे मोटे लोग दिखते हैं, और आप वहाँ पे ज़्यादा किसी को भी बहुत हेल्दी और बहुत मोटा नहीं दिख पाएंगे, और यहाँ पे तो एक से एक मोटे मोटे लोग आपको दिखेंगे। तो बस वही था कि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि मेरा मन कर रहा था कि सब नज़ारा बिल्कुल मोबाइल में कैद कर लें और सारी चीज़ें दिखाएं आप लोगों को भी। इतना हमें अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और शादी भी 2 दिन बाद है, तो भी हम लोग नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल से फिर आगे अल्मोड़ा, कौसानी, रानी के सब घूमने का प्लान है 2-3 दिन में। घूम करके फिर वापस वहाँ से हल्द्वानी आएंगे, शादी अटेंड करेंगे, और शादी अटेंड करने के बाद फिर हमारी 2 दिन बाद वापसी है। तो यानी मेरा 5-6 दिन का ये टूर है। तो देखिए, पता है नैनीताल में नीम करोली बाबा जो हैं उनके दर्शन हमने लास्ट ईयर भी किए थे, और वैसे मैं इतने सालों में कभी नैनीताल नहीं गए थे, लेकिन जब बाबा जी के दर्शन किए तो मेरा एक मन था कि मैं अगले साल फिर आऊं बाबा जी के दर्शन के लिए। और शायद हमने दिल से ही मांगा था तो मेरी बात सच भी हो गई। और पता है बाबा जी ने मुझे फिर से बुलाया। और देखिए, हम लोग अभी 2022 में गए थे, दिसंबर में दर्शन किए थे मैंने जाके बाबा जी के, और अभी 2023 में मेरा देखिए फिर से जाने का हो गया। तो इसको इत्तेफाक ही कहेंगे कि बाबा जी ने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली कि 2 बार मैंने दर्शन कर लिए उनके जा कर के, और कहाँ मैंने इतने सालों में 1 बार भी नहीं किए थे। तो नीम करोली बाबा में इतनी शक्ति, अगर आपका मन उदास है, मन बेचैन है, तो वाकई में आप जाके वहाँ दर्शन कर सकते हो। देखिए, अभी 3-3.5 घंटा बता रहा है बरेली से नैनीताल पहुंचने में लगता है। तो और बिल्कुल इजली मॉर्निंग का टाइम है, तो बहुत ही आराम आराम से हम लोग व्यूज देखते हुए चल रहे हैं। उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं, खूब आराम से चलिए ताकि पूरे नज़ारे अच्छे से देखते हुए चले। और समय मौसम भी बहुत प्लीजेंट है यहाँ का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी वहाँ पहुँच के देखिए क्या क्या घूमते हैं, क्या क्या देख पाते हैं। और देखिए, हमको तो यहाँ के नज़ारे ही देख के बिल्कुल बस मन एकदम खुश हो गया है। देखिए, अभी यहाँ से भी दिखा रहा है ये नैनीताल 9 किलोमीटर है अभी। तो यहाँ पे ड्राइवर बता रहा है जितना चलते जाओ रास्ता ऐसे लगता है बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर और दिखा रहा है। जैसे जैसे नैनीताल के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे और भी पहाड़ खूबसूरत दिख रहे हैं। और सुबह का टाइम है ना, तो सुबह धूप खिली हुई है बिल्कुल, और वो इतना सुंदर व्यू दिख रहा है। और इस समय चीड़ के पेड़ तो बिल्कुल जैसे लग रहा है खूब लटके हुए फलों से लदे हुए हैं, और हम लोग वहाँ से चीड़ जो था वो तोड़ के भी लाए, तो बहुत पूरा हर तरफ चीड़ के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं।
ये कितना सुंदर लग रहा है जब पेड़ों पे धूप पड़ती है और वो ऊंचे ऊंचे पेड़ उसमें से छन के आती है तो नज़ारा और भी सुंदर लगता है। और मॉर्निंग टाइम हो तो क्या कहने। देखिए जैसे जैसे हम नैनीताल के करीब पहुंच रहे हैं तो पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे से और दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे 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 करके बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी सी देर में। देखते हैं भी कितने किलोमीटर और रह गया यहाँ से। देखिए भैया की जो गाड़ी है उसमें खाटू श्याम के भजन इतने अच्छे अच्छे बजा रहे हैं कि सफर का आनंद और दुगना हो गया भजन सुन करके। बहुत अच्छे अच्छे भजन बजा रहे हैं, इसको हम डाउनलोड कराएंगे और अपने साथ लेके भी जाएंगे क्योंकि मुझे ये भवन बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, लगभग करीब करीब पहुँच गए हैं। और पहुँच करके फिर सबसे पहले होटल देखा जाएगा कहाँ पे रुकना है, उसके बाद आगे का प्लान बनाएंगे घूमने का कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है घूमने। और आज की प्लानिंग है कि अभी हम लोग जब पहुँच जाएंगे होटल तो वहाँ से आज खाली लोकल नैनीताल घूमा जाएगा। उतने महंगे होते जाते हैं तो हम लोग सोच रहे थे पहले ही होटल ले लें। और होटल इधर भी अच्छे हैं काफ़ी, पिछले साल आए थे एक सरदार जी का होटल है उसका सिटीजन इन करके, तो हम लोग वहीं पे रुके थे और काफ़ी अच्छा वहाँ का खाना भी था और होटल भी अच्छा लगा, तो इस बार भी हम लोग वहीं रुकेंगे। सिटीजन इन करके नाम है तो काफ़ी अच्छा होटल था और खाना भी वहाँ का काफ़ी अच्छा था, तो वहीं जाकर देखते हैं ट्राई करते हैं रूम अवेलेबल होगा तो वहीं पर। होटल देखने के लिए और आप लोग उत्तराखंड की खूबसूरती बिल्कुल फील कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है। गाइस हम उत्तराखंड में जो जो घूमेंगे सब वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे और शादी का वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप लोग भी नैनीताल आए हैं घूम करके गए तो आप लोग को यहाँ कैसा लगा हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा।